हम बात करने वाले हैं एल बाई डी वन रेशियो की। इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, उसका रीज़न आगे की इक्वेशन में दिया हुआ है। पहले हम समझ लेते हैं कि एल बाई डी वन रेशियो की वैल्यू जब एक से कम होगी तब क्या इक्वेशन यूज करेंगे, एक के बराबर होगी तब क्या इक्वेशन यूज करेंगे, और एक से ज़्यादा होगी तब क्या इक्वेशन यूज करेंगे। जहाँ पर एल बियरिंग की लेंथ है और जो डी वन है वो मैंने डायमीटर शो किया है बियरिंग का, जबकि हम शाफ्ट के डायमीटर को शो करते हैं ओनली डी से। ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या फिर आपको वो डी वन को डी डैश लिख सकते हैं, लेकिन डी जो लिखेंगे वो शाफ्ट के डायमीटर के लिए लिखेंगे। जो हम बियरिंग यूज करते हैं उसमें बियरिंग की लेंथ होगी एल, यहाँ पे डी वन लिखना था लेकिन सभी जगह मैंने डी डी लिख दिया, क्योंकि बार बार मुझे वन 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 लिखना था पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्टली डी लिख दिया। लेकिन ये जो डायमीटर है वो बियरिंग का डायमीटर है, इसे डी वन या डी डैश से शो कर सकते हैं। एल बियरिंग की लेंथ, बियरिंग का डायमीटर, बियरिंग की लेंथ, बियरिंग का डायमीटर, बियरिंग की लेंथ, बियरिंग का डायमीटर। यदि ये रेशियो एक से कम है या फिर एक के बराबर है तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं शाफ्ट के लिए या फिर बियरिंग के लिए, तो हम यूज करते हैं सिंपली सपोर्ट बीम के फॉर्मूले। यदि L बाई डी वन रेशियो की वैल्यू एक से कम है या फिर एक के बराबर है तो हम यूज करते हैं L बाई डी वन की वैल्यू। इसमें सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए फॉर्मूले यूज करते हैं, हम सिंपली सपोर्टेड बीम के फॉर्मूले यूज करते हैं। इसमें पॉइंट लोड आ रहा हो या फिर UDL आ रहा हो, UDL मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जब ये रेशियो एक से कम है या फिर एक के बराबर है तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम के फॉर्मूले यूज करते हैं, जिसमें पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला होता है PLQ/48EI, और UDL के लिए फॉर्मूला होता है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए फॉर्मूला होता है 5WL^4384EI। यदि ये रेशियो एक से ज़्यादा होता है तो हम यूज करते हैं फिक्स सपोर्टेड बीम के लिए फॉर्मूले, जो यूज करते हैं वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। यदि पॉइंट लोड है तो ये फॉर्मूला होगा PLQ/1922EI। यदि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला होगा WL^4384EI। इसमें जो L बाई डी वन का रेशियो होता है उसको हम यूज करते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने में, क्योंकि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2π² ZN/P(DC+K), जहां पे जो K होता है वो होता है लीकेज फैक्टर। इस लीकेज फैक्टर की वैल्यू डिपेंड करती है L बाई डी वन रेशियो पे। हम कैलकुलेट करते हैं L बाई डी वन रेशियो, यदि इसकी रेंज 0.75 से 0.28 आती है, 0.75 से 0.28 वैल्यू आती है तो हम कह के की वैल्यू यूज करेंगे, यानी लीकेज फैक्टर की वैल्यू यूज करेंगे 0.002। यदि इस रेशियो की वैल्यू 2.8 से ज़्यादा आती है, इस रेशियो की वैल्यू एल वाई डी वन रेशियो की वैल्यू 2.8 से ज़्यादा आती है तो के की वैल्यू हम यूज करेंगे 0.003। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन डेवलप की थी वो टू ब्रदर्स ने डेवलप की थी, उनका नाम था MC की, उन्हीं के नाम पे इस इक्वेशन को बनाया गया है। तो इस इक्वेशन को हम MC की इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फंक्शन होता है ZN/P/DC एंड ZN/P, जहाँ पे जेड है विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, एन RPS यानी कि राउंड पर सेकेंड, पी प्रेशर बियरिंग प्रेशर, डी डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट, सी क्लियरेंस, एल लेंथ ऑफ बियरिंग, डी वन डायमीटर ऑफ बियरिंग। तो इस फॉर्मूले के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं 2π² ZN/P (DC+K), जहाँ पे K होता है लीकेज फैक्टर, ZN/P को कहते हैं बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। इसमें हम बियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं, एक और नंबर होता है समर फील्ड नंबर,
उससे भी हम बेयरिंग की कैरेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला डेवलप किया गया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, वो एम सी की के द्वारा डेवलप किया गया था। तो इस रेशियो को पढ़ने की ज़रूरत यही पड़ी कि जब लीकेज फैक्टर बोलते हैं इसे, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू 0.75 से 2.8 तक बेरी करती है। तो कै की वैल्यू लेते हैं हम 0.002, और यदि इसकी वैल्यू 2.8 से ज़्यादा होती है तो इसकी वैल्यू लेते हैं 0.003। ये पूरा फॉर्मूला जो है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। और इस पूरे फॉर्मूले से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे आपको ईएस में, जबकि ये जो फॉर्मूला यहाँ तक है टी बाय सी रेशियो तक, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट के लिए। यानी कि गेट में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको के की वैल्यू या फिर ये डी बाय सी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपको ये के फैक्टर ही नहीं देंगे वो, ये केवल ईएस के एग्ज़ाम के लिए जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं या फिर 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। गेट के लिए फॉर्मूला केवल इतना ही यूजफुल रहेगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए। यदि एल वाई डी वन, जो कि एल बेयरिंग की लेंथ है, डी वन बेयरिंग का डायमीटर है, एल वाई डी रेशियो एक से कम होता है या एक से बराबर होता है, तो हम यूज करते हैं सिंपली सपोर्ट बीम के फॉर्मूले। तो उसमें जो सिंपली सपोर्ट का पॉइंट लोड का फॉर्मूला ये होता है, UDL यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का फॉर्मूला ये होता है। यदि इस रेशियो की वैल्यू L बाई डी वन की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है तो हम फिक्स्ड सपोर्ट बीम के लिए जो फॉर्मूले होते हैं वो यूज करते हैं। इस K की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, जब हम फ्रिक्शन कोफिशेंट या कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं तो इसमें एक टर्म आता है लीकेज फैक्टर। इस लीकेज फैक्टर की वैल्यू एल बाई डी वन रेशियो पे डिपेंड करती है। यदि ये रेशियो 0.75 से 2.8 आता है तो हम जो फॉर्मूले यूज करेंगे एल बाय डी वन में, वो सारे फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे, और इसकी वैल्यू इसके बीच में आएगी तो इसकी वैल्यू लेंगे 0.002। यदि इस रेशियो की वैल्यू 2.8 से ज़्यादा आती है तो हम इसकी वैल्यू लेंगे 0.003। इस फॉर्मूले में इतना फॉर्मूला होता है गेट के लिए और पूरा फॉर्मूला होता है ईएसई के लिए। यहाँ पे जेट विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट एन राउंड पर सेकेंड आरपीएस में लेते हैं, इसको आरपीएम में लेके आप गलती ना करें, क्योंकि इसकी वैल्यू जब हम बेयरिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक या फिर समर फील्ड नंबर कैलकुलेट करते हैं उसमें भी इसको आरपीएस में ही लेना है आपको, इसको आरपीएम में नहीं लेते। वैसे जनरली हम जो कैलकुलेशन करते हैं अदर चीज़ों के लिए उसमें हम इसको आरपीएम में लेते हैं, तो आपसे यहाँ मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसको हम आरपीएस में लेते हैं। पी होता है बेयरिंग प्रेशर, डी डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट, सी क्लियरेंस। तो आज के टॉपिक में ये था एल वाई डी वन रेशियो के बारे में कि इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, किस कंडीशन में हमको कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं।